तो गुड मॉर्निंग चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आपने ऑलरेडी हमारी टीम से बात की, समझा बड़ा बिजनेस के बारे में और आईबीसी के बारे में। मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बिजनेस में जरूरी है, कैसे आपको काम करना चाहिए। इनफैक्ट आप समझिए कि सिर्फ बड़ा बिजनेस नहीं, अगर आपको जीवन में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो अगले एक घंटे के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। और अगले एक घंटे में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे कोई भी बिजनेस किया जाता है, और आपको बड़ा बिजनेस यानी कि विवेक बिंद्रा जी के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आप लोग नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा आप सब लोगों से, जिस व्यक्ति ने इस मीटिंग में आपको आज बुलाया है ना, उससे रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखना, क्योंकि वही इंसान है जो विवेक बिंद्रा जी के साथ और मेरे साथ काम कर रहा है और जो आपको हमारे से मिलवा सकता है, विवेक बिंद्रा जी से मिलवा सकता है। क्योंकि जिसने इस मीटिंग में आपको बुलाया, जिसने वीडियो आपको शेयर की है दोस्तों, उसको विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग मिली है, उसको हमसे ट्रेनिंग मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं कामयाब बिजनेसमैन बनने की सफर के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अभी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आप सबने सुना आईबीसी के बारे में कि 1 लाख से 5 लाख कमाने का मौका है, तो कैसे आईबीसी बन के आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं, आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम हितेश यादव है, 7 साल से मैंने जॉब की है, उसके बाद मैंने विवेक बिंद्रा जी का कोर्स ज्वाइन किया 2020 आज से 3 साल पहले। उसके बाद मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था जस्ट एक मंथ के बाद, मार्च 2020 के अंदर। उसके बाद मैं रॉयल लाइट क्लब का मेंबर बना, बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया, काम किया, पहला नवरत्न आईबीसी बना देश के अंदर। उसके बाद मैं स्मार्टेस्ट आईबीसी बना मई 2021 के अंदर, प्रोफेसर हूँ आज बड़ा बिजनेस में सितंबर 2021 के अंदर। उसके बाद मैं टीएमसी क्लब का मेंबर बना अक्टूबर 2021 के अंदर। उसके बाद मैं चैनल पार्टनर हूँ, ये भी मैं अक्टूबर के एंड में बन गया था। ये मैं पूरी जर्नी दिखा रहा हूँ पिछले 3 साल की, जो मैंने बड़ा बिजनेस के साथ में तय की है। उसके बाद में मेरे को विवेक बिंद्रा जी ने चैनल पार्टनर बना दिया, मेरे काम को देखते हुए खुश होते हुए, ज्यादा खुश हो गए विवेक सर, और मुझे चैनल पार्टनर बना दिया। और मुझे जिम्मेदारी दी कि हितेश आपने इतने साल काम किया मेरे साथ, खुद एक आईबीसी की तरह, अब आपको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप चैनल पार्टनर बनिए और आप बाकी लोगों को कामयाब बनेंगे। उसके बाद में आज के दिन मैं हूँ 5-स्टार चैनल पार्टनर, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है, 5 ही लोग हैं, तो 5-स्टार चैनल पार्टनर हूँ मैं, जो कि अभी रिसेंटली दिसंबर 2022 में मुझे बनाया गया है। फिर पिछले पूरे 3 साल की जर्नी है मेरी, एक अचीवमेंट की लिस्ट है जो मुझे विवेक बिंद्रा जी से मिली है। इसके साथ में एक बहुत प्यारी सी मेरी स्टोरी जो विवेक बिंद्रा जी ने क्रिएट किया, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि क्या हम लोगों ने हासिल किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। मेरे साथ में एक हितेश यादव नाम का यंग लड़का जुड़ा था, आज 3 करोड़ रुपए का काम किया उसने, छोटी सी कंपनी के अंदर ऑपरेशन मैनेजर, छोटा सा, क्या 15-20 हजार रुपए क्या कमाता था लड़का वो। और परिवार में किसी ने जिंदगी में उनके बिजनेस नहीं किया हितेश यादव के, हिसार से थे, एडमेंट थे, हमारे साथ जुड़े ईआई के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में पहले प्रोग्राम रन करता था, उसके कस्टमर बने, आईबीसी ज्वाइन किया उन्होंने, डिस्पाइट कोविड उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, फास्ट पेस पे ग्रो किया, पिछले 3 महीने के अंदर 60% की दर से लगातार ग्रो कर रहे हैं। केवल 64 लाख रुपए का अकेले केवल नवंबर के महीने में उन्होंने काम किया, इस महीने में और बड़ी जंप ले रहे, जनवरी में बड़ी जंप लेने जा रहे हैं। और आज हमने क्या किया, इस आर्ट ऑफ सेलिंग को साइंस का लॉजिक दिया है। मेरे को आर्ट नहीं देनी है आपको, मुझे कला नहीं सिखानी है, मुझे विज्ञान सिखाना है आपको। ये विज्ञान क्या है, फूल प्रूफ इडियट प्रूफ। क्या अर्थ हुआ इसका, मूर्ख भी आएगा वो भी कमा के निकलेगा, इडियट भी आएगा वो भी कमा के निकलेगा, बुद्धिमान आएगा तो कहां से कहां पहुंचेगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कहावत होती है फूल प्रूफ, कि एक फूल भी कर लेगा, मूर्ख भी कर लेगा, इडियट प्रूफ, एक इडियट भी कर लेगा करके। ये क्यों कठोर कहावत मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैकडॉनल्ड्स के अंदर कोई 4 लाख 3 लाख 2 लाख रुपए महीने का शेफ नहीं होता है, एक 20 हजार रुपए का साधारण लड़का भी उसी टेस्ट का बर्गर बना देता है, क्योंकि उन्होंने एक बर्गर की साइंस सेट कर दी है। इसी तरह मैंने सेल्स की साइंस बनाई, इसके 8 स्टेप्स बनाए थे मैंने, इन स्टेप्स को ऑटोमेट कर दिया पूरी तरह से। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप लोगों से बात नहीं कर सकते, अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते, आपको बातचीत करनी नहीं आती, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल नहीं है, पर्सनैलिटी कमजोर है, फिर भी आप सेल्स कर पाओगे, क्यों, मैंने विज्ञान ला दिया है, उसमें कुछ स्टेप्स ला दिए, इनपुट आउटपुट। ये थी विवेक बिंद्रा जी मेरे साथ में स्टोरी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग खुद को ऐसे ही ब्रांड बनाना चाहते हैं, विवेक बिंद्रा जी के साथ अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं। देखिए जब विवेक सर आपके बारे में इतना बोल देते हैं ना, तो यार रात रात इंसान ना ब्रांड बन जाता है, और विवेक बिंद्रा जी वो इंसान से मेरे को ब्रांड बनाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानना चाहते हैं कि कामयाब होने का आसान रास्ता क्या है, कैसे कामयाब हो सकते हैं आप लोग? देखिए समझिए ध्यान से, लोगों को एक दिमाग लगाना है, छोटे से सवाल के बारे में सोचना है। वो सवाल क्या है कि जो एक इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, उसमें ऐसा क्या अलग होता है जो महीने का 10 हजार कमाता है? तो सोचिए, जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है और 10 हजार कमा रहा है, उसमें क्या फर्क? मैं बताता हूँ,
ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक चीज का फर्क है, जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है उसने एजुकेशन पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की है, उसमें टैलेंट ज्यादा है, उसको एक्सपोजर ज्यादा है, उसके पास स्किल ज्यादा है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। बस यही फर्क मिलेगा आपको हमेशा हर इंसान में जो आपसे ज्यादा कामयाब है, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। आपको क्या करना है, अगर आपको भी कामयाब होना है तो आपको इन सारी चीजों को हासिल करना है, अचीव करना है। ये कैसे करेंगे ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने हमारी टीम से बात की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। किसी ने बोला सर मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिल रही, किसी ने बोला अच्छा बिजनेस मेरा नहीं चल रहा, किसी ने बोला मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना नहीं आता, किसी ने बोला मेरे को पैसों की बड़ी दिक्कत है घर में, किसी ने बोला मेरे को लाइफस्टाइल सर अच्छा करना है, किसी ने बोला सर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ बट समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, किसी ने बोला सर मैं गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है घर के अंदर, किसी ने बोला सर मेरा पढ़ाई लिखाई में मन तो बहुत लगता है लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, मैं इंडिया के बेस्ट स्कूल कॉलेज में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगले 1 घंटे में जो भी आपकी प्रॉब्लम इनमें से है उन सबके समाधान सोल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए एक सवाल और पूछता हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो शहर का बच्चा होता है वो ज्यादा कामयाब होता है गांव के बच्चे से। 10% लोग होते हैं गांव के भी बट 90% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा शहर में पढ़ रहा होता है उसकी संगत अलग होती है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसको समझ होती है कि देश कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, इंडस्ट्रीज कहाँ जा रही है। तो बच्चा गांव में रहता है उसको संगत नहीं मिल पाती, इसलिए बच्चा पीछे रह जाता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग आज गांव में रहते हैं, अगर आपके आसपास सभी लोग महीने का 10-15 हजार कमा रहे होंगे आप भी उतना ही सोच पाएंगे कि 10-15 हजार में कैसे कमाऊं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे जॉब वाले लोग हैं, अच्छे स्टार्टअप वाले लोग हैं, तो दोस्तों आप भी सोचेंगे कि मैं भी वहां तक कैसे पहुंचूं। तो ये संगत का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको सबसे पहले अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। अब संगत के ऊपर विवेक बिंदल जी का क्या कहना है जरा एक बार इसके बारे में सुन लेते हैं। दुख तकलीफ तो बहुत सारी आती है पर एक इंसान के जीवन में ना एक लक्ष्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना, तो वीडियो भाग मिल्खा भाग, तो मिल्खा सिंह के पास ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस था, और वो जब पर्पस हो ना, वो कहते ना आग सीने में होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। कि ना पहली चीज हमेशा अपने आप को उन लोगों के बीच में रखें जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो सुपर चैंपियंस हैं, जिनका अपना बिलीफ, जिनका अपना मानसिकता बहुत मजबूत हो, बहुत पॉजिटिव हो, जो बहुत पॉजिटिव हो, अल्ट्रा पॉजिटिव, अल्ट्रा फोकस्ड हो। पहली चीज ऐसे लोगों के बीच में रखो अपने आप को। तो ये विवेक सर ने 2 चीजें, यानी कि अगर आपको कामयाब होना है तो पहली चीज आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। बात करते हैं आईबीसी के बारे में, आप समझ जाए आईबीसी क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आईबीसी ना तो कोई MLM है, ना यहाँ किसी को जोड़ना है, ना यहाँ पे कोई चेन बनानी है, ना ही ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यानी कि आपके डाउनलाइन में भी कोई नहीं होगा, आपकी अपलाइन में कोई नहीं होगा, आपके साइड में कोई नहीं होगा, आप खुद के मालिक होंगे, खुद के बॉस होंगे, खुद का आपका बिजनेस होगा, एकदम नॉर्मल बिजनेस, जैसे कि बाकी दुनिया बिजनेस करती है ऐसे ये भी आपका बिजनेस होने वाला है। जरा दिमाग खोल के बैठिएगा, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं पेश करने वाला हूँ, जहां पे आप विवेक बिंद्रा जी की बहुत बड़ी कंपनी की डिजिटल फ्रेंचाइजी आप लेने वाले हैं। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी के बारे में आप सबने सुना ऑलरेडी ना, आजकल देखिए आप हर जगह यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आजकल हर न्यूज चैनल पे विवेक बिंद्रा जी आ रहे हैं। आप लोग मानते हैं, देखा न्यूज चैनल पे हर जगह विवेक बिंद्रा जी आ रहे हैं, सब लोग उनको ही बुला रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी देश के बहुत बड़े स्टार्टअप गुरु बन चुके हैं, इंटरनेशनली उनको सबसे एशिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर का अवार्ड मिल चुका है, बिजनेस कोच, आज से 1500 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग, आज 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है विवेक बिंद्रा जी के नाम, बड़ा बिजनेस के नाम सर 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड, सोच कितना बड़ा नंबर है 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसके साथ में सबसे बड़ी चीज पता क्या है, आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं विवेक बिंद्रा जी, क्योंकि उन्होंने फ्री में ही यूट्यूब पे इतना ज्ञान दे दिया है, इतना कुछ सिखा दिया है, जो आज तक स्कूल कॉलेज में लोग लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं सीख पाते, वो सारा ज्ञान तो विवेक बिंद्रा जी ने फ्री में ही बांट दिया यूट्यूब के ऊपर, और उनसे 100 गुना बेहतरीन तरीके से। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो कंटेंट विवेक सर ने बनाया है, अगर ये आप लोगों को मिल जाए देखने के लिए तो कैसा लगेगा आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, अभी हम आते हैं सीधा बड़ा बिजनेस के ऊपर कि बड़ा बिजनेस क्या है। देखिए आज आप ये समझ लीजिएगा कि आज आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ठीक है, बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला तरीका क्या होता है कि आप खुद कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई साबुन, तेल, शैम्पू, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, खुद बनाते हैं प्रोडक्ट को, उसकी ब्रांडिंग खुद करें, मार्केटिंग खुद करें, बहुत बड़ी फैक्ट्री आप ओपन करते हैं, फिर आप चैनल्स बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो ऐसे करके पूरे बाजार में उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। ये सारा काम करने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाता है, कि 1-2 लाख रुपए में काम नहीं होता। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी की
डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लें, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लें, डीलर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और वो सामान आप मार्केट में सेल करें। दो ही तरीके हैं बिजनेस करने के, आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर बजट। दूसरे ऑप्शन में बजट बहुत कम लगता है। अब हम बात करते हैं कि बड़ा बिजनेस में खास क्या है, कि बड़ा बिजनेस क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को आज तक लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ना बस एक मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। आपको पता नहीं है विवेक बिंद्रा जी ने कितनी बड़ी कंपनी बना दी, इसका नाम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज के दिन 3,500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। स्टार्टअप के अंदर पूरा हाहाकार मचा रखा है विवेक बिंद्रा जी की इस कंपनी बड़ा बिजनेस ने। अभी तक की पहली ऐसी कंपनी है एडटेक के अंदर जिसने अगले पहले 2 साल में तो 5 बिग CA फर्म को हायर किया है अपने ऑडिटर के लिए, और KPMG को उन्होंने हायर किया है इन्वेस्टर बैंकर, वो इनके इन्वेस्टमेंट बैंकर है। बड़ा बिजनेस बेसिकली है क्या? बड़ा बिजनेस बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है जहां पे सबको पढ़ाया जाता है। आसान शब्दों में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ने गए थे, कॉलेज में पढ़ने गए थे, उसे बड़ा बिजनेस भी एक स्कूल है, एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जहां पे सबको पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सबको पढ़ाया जाता है ताकि हम हिंदुस्तान के हर इंसान को पढ़ा सके, एजुकेट कर सके। तो इसका पर्पस क्या है, विवेक सर ने इसको स्टार्ट क्यों किया? देखिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई आपने की क्या वो काम आ रही है आपके? आज हिंदुस्तान के 70 से 80% यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है बहुत कम सैलरी का मिल रहा है। उसका कारण क्या है? कारण ये कि उन्होंने पढ़ाई तो की लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कमजोर थी, उनके पास स्किल की कमी थी, नॉलेज की कमी थी। बच्चा पढ़ने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि स्किल्स नहीं है। तो विवेक बिंद्रा जी ने इस कंपनी को स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो ये था कि हम हिंदुस्तान के हर एक इंसान को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे, ताकि उसको कभी भी धक्के ना खाने पड़े, ताकि कभी भी उसको 10-15-20-25-30 हजार की नौकरी के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े। हम उसको स्किलफुल बनाना चाहते हैं। एक गांव का बच्चा जिसके घर में 2 घंटे लाइट नहीं आती, हम उस इंसान को भी वर्ल्ड की टॉप बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, इतना अफोर्डेबल एजुकेशन को बनाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि अमीर के बच्चे तो भैया अब बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करें और गरीब के बच्चे गांव में पढ़ पढ़ के वहीं गरीब होते रहे। प्रॉब्लम क्या है कि गरीब तो गरीब रह जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का गैप है, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल नहीं पाती अमीरों वाली। तो विवेक सर ने प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ पे वो सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जो कि अमीर लोग बड़े बड़े फॉरन में बाहर जाके टॉप क्लास एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बड़ा बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली पढ़ाया जाता है एक स्कूल कॉलेज की तरह, लेकिन कहाँ पे? ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है। ऑनलाइन क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर बहुत बड़ा स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती, फिर उसकी फीस ज्यादा होती और सब बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि बड़ा बिजनेस क्या है, एक स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, यस सर समझ में आ गई यहां तक अपनी बात, आगे लेके चलता हूँ। तो बड़ा बिजनेस में अगर कॉलेज स्कूल नहीं है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है? हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे सारे कोर्सेज होते हैं। उसके अंदर बच्चा जाके पढ़ाई करता है, वहीं पे टेस्ट होते हैं, वहीं असेसमेंट होते हैं और वहीं पे स्टडी मटेरियल भी होता है, यानी कि पढ़ने के लिए भी कंटेंट होता है, वहीं पे कोच होते हैं सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ वहीं पे होता है ऐप के अंदर। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, देखिए आज आप क्या करने आए, IBC ज्वाइन करने आए हैं। और IBC क्या है? हमारी बड़ा बिजनेस कंपनी की डिजिटल फ्रेंचाइजी है, यानी कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनने आए हैं। तो किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसका फ्यूचर कितना बड़ा है, उसके ग्रोथ कितनी होने वाली है फ्यूचर में, पीछे अभी तक क्या क्या हुआ है, ब्रांडिंग मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, क्या सक्सेस का रेट चल रहा है, ये सब कुछ बहुत गहराई में आपको पता होना चाहिए, तभी उस बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर ये ज्ञान ही आपके पास नहीं होगा तो आप बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ये डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। देखिए, आप कभी ना कभी तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे आज करें, कल करें, चाहे 6 महीने के बाद करें, तो नॉलेज के बिना आप कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आगे लेके चलता हूं मैं आपको। जो मैंने बताया कि विवेक सर का जो पर्पस था इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे, तो विवेक सर से जानते कि पर्पस क्या था। एक बार आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं, और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट MBA की पढ़ाई तो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है। मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और YouTube यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं।
मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। ये मेरा, मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ। आप में से कितने लोग विवेक बिंद्रा जी के इस मिशन में उनका साथ देना चाहते हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग विवेक बिंद्रा जी के इस मिशन में साथ देना चाहते हैं? सर ये सोच बहुत बड़ी है, अगर पूरे देश को बदलना है, देश को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन पे लेके जाना है, एक ही काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे बेसिक एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। आज हमारे देश में बच्चे पढ़े लिखे तो हैं पर पढ़े लिखे नहीं है, मतलब सर पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे नहीं, हाँ आप समझ गए मेरी बात, पढ़े लिखे तो हैं वो बस नाम नाम के डिग्री लेके घूम रहे हैं सारे, बट डिग्री का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, आप सब इस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं। यानी कि आज, यानी कि आप ये कह रहे हैं सर अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरा खुद का एक स्कूल खुल जाएगा? हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लाइफ टाइम चलता रहेगा, जो कभी फेल नहीं हो सकता, जिसमें ग्रोथ हमेशा आनी है, वो है एजुकेशनल बिजनेस। यानी कि सोचो, पढ़ाई लिखाई सदियों से चलती आ रही है, सदियों से, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी याद है आपको, है ना, फिर धीरे धीरे आश्रम बनने स्टार्ट हुए, आश्रम में पढ़ाई होती थी, उसके बाद में मुझे जब मैं आई थी, जब मैं गांव में रहता था तो वो एक तख्ती आती थी जिसमें हम इंक से लिखते थे, फिर मुल्तानी से साफ करते थे उसको, मैंने उस पर किया हुआ काम, मुझे याद, एक साल मैंने किया उस पर काम, फिर मैं बाहर आ गया था गांव से, मेरे फादर आर्मी में थे, फिर हम लोगों ने सलेट पे लिखना स्टार्ट किया, बोर्ड पे चौक से लिखते थे, सलेटी आती थी ना, फिर उसके बाद में फिर हमने नोटबुक में पेंसिल से लिखना स्टार्ट किया, फिर पेन आने लग गए, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, अब ऑनलाइन कोर्सेज आ गए। यानी पढ़ाई लिखाई एक ऐसा ऐसा बिजनेस रहा है हमेशा से, जो सदियों से चलता आ रहा है जब से दुनिया बनी है, और सदियों तक चलता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। लेकिन सिर्फ क्या बदला है, तरीका बदला है पढ़ाने का। अब नया तरीका क्या आ गया पढ़ने का, कौन सा तरीका आ गया, एडुटेक, इनकी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाना, ये स्मार्ट तरीके आ चुके हैं आजकल। सोचो अगर हम पहले बोलते नहीं 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 मैं तो तख्ती पे पढ़ूंगा आज भी, मतलब चौक से ही लिखूंगा, तो सोचो हम कितने पीछे रह जाते हैं। तो समय के साथ हमको बदलना पड़ता है। तो यानी कि आज आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लाइफ टाइम चलेगा, कभी फेल नहीं होगा, कभी डी ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, और वो क्या, एजुकेशनल बिजनेस। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं सितेश सर कि बड़ा बिजनेस के अंदर, आप ये कह रहे हैं कि बड़ा बिजनेस एक स्कूल है, कॉलेज, जहाँ पे सबको पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है, यहाँ पे किस तरह के कोर्सेज होते हैं? हमारे स्कूल में तो वो साइंस, मैथ, हिंदी पढ़ाई जाती थी, या बीकॉम, बीए, बीबीए कॉलेज में पढ़ाया जाता था, यहाँ पे बड़ा बिजनेस में क्या पढ़ाया जाता है, समझता हूँ। देखिए जैसे 2 साल की एमबीए की पढ़ाई होती है ना, हम भी ऐसे ही 2 साल की पढ़ाई कराते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इनफैक्ट जो आप अगर एकदम टॉप को छोड़ दें, आई एम अहमदाबाद वगैरह को छोड़ दें, तो नॉर्मल कॉलेज में जितनी भी पढ़ाई होती है उनसे ये 100 गुना बेहतरीन कोर्स है, 100 गुना बेहतरीन, क्योंकि मैंने खुद इसको ज्वाइन किया हुआ है, पैसे दे के इसको ज्वाइन किया था, आईबीसी तो मैं बाद में बना था। आप लोगों को तो खुशखबरी है, अगर आप लोग आईबीसी ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। यानी कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, बीकॉम, बीबीए कुछ भी कर रखा है नाम नाम के लिए, तो 2 साल की रियल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई हम आपको बिल्कुल फ्री में करा देंगे, और आप अपने गांव के, अपने शहर के, और अपने खानदान के तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे, वादा हम आपसे कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर पढ़ाता कौन है, इस प्रोग्राम में पढ़ाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति बिजनेसमैन, बड़े बड़े सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते, ऑनलाइन, साथ में 3 दिन का फिजिकल इवेंट भी होता है, इसमें डिजिटल फिजिकल दोनों पढ़ाई होती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है, मैं ये भी बता क्या रहा हूँ आपको कि बड़ा बिजनेस में पढ़ाया क्या जाता है। देखो बड़ा बिजनेस एक स्कूल था, एक कॉलेज था, जहां पे सबको पढ़ाया जाता है। पढ़ाया कैसे जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, हमारी मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये देखो सारे कोर्सेज के नाम है, इसकी लिस्ट हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे भेज देगी, आप मैसेज कर देना उनको कि भैया मुझे सारे कोर्स की लिस्ट भेजो, पीडीएफ भेजो, सारी पीडीएफ आपको भेज देंगे। देखिए किसी को स्टार्टअप करना सीखना है, किसी को मार्केटिंग करना सीखना है, किसी भी तरह का आपको
ई कॉमर्स का बिजनेस जैसे Amazon, Flipkart पे करना सीखना है, आपको ब्रांड मैनेजमेंट करना सीखना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना सीखना है, आपको मतलब स्टॉक मार्केट सीखना है, सारे कोर्सेज हम कराते हैं यहाँ पे। कि एक बच्चा है, एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, आज वो पॉकेट मनी ले रहा है, वहां से प्रोफेशनल सैलरी पे कैसे पहुंचना है, आपको यूट्यूबर कैसे बनता है, यूट्यूबर का भी कम कोर्स कराते हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, यानी कि स्टूडेंट के लिए भी कोर्सेज है, बिजनेसमैन के लिए भी कोर्सेज है, जॉब करने वाले के लिए कोर्सेज है, हर तरह के कोर्सेज है, पर्सनलिटी मैनेज डेवलपमेंट का हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट का हो, चाहे आपको अपने स्टार्टअप को स्केल करना हो, यानी कि इतने सारे कोर्सेज हम कराते हैं। 130 से ज्यादा हमारे पास कोर्सेज है। ये सारे कौन सी कोर्सेज है जो कि बच्चे जाके बाहर ऑलरेडी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हमने इनको बहुत अफोर्डेबल और सुपर एक्सपर्ट्स के साथ में डिजाइन किया हुआ है। तो ये तो हो गए स्किल बेस्ड कोर्सेज। और हम क्या पढ़ाते हैं, नर्सरी से लेके यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की स्कूल की पढ़ाई भी हम कराते हैं। हितेश भाई क्या बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि विवेक बिंदल जी ने स्कूल भी खोल दिया? हाँ भैया, अगर देश को बदलना है तो जड़ से खत्म करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। बच्चा 12वीं तक पढ़ के आता है, 12 साल तक तो उसका दिमाग में कूड़ा भर जाता है, 12 साल तक उसकी कंडीशनिंग गांव में रहती है, वो कभी समझ ही नहीं पाता। और भैया अगर एक आदत 12 साल तक लगी रहे आपको, उसको तोड़ने में निकालने में ना बहुत टाइम लग जाता है। आप सोच के देखिए, आज एक बिहार का बच्चा अगर शहर में आए तो उसकी ना लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से ना अलग होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे गर्दन झुका के ना कॉन्फिडेंस है, स्लैंग भी उसकी अलग होती है, मुंह से बोलेगा चल जाएगा पता कि बिहार से आया है, हरियाणा का बच्चा मुझसे बोलेगा चल जाएगा पता हरियाणा के गांव से आया है। आप समझ रहे हो, मतलब बिहार की बात नहीं, हर स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो गांव में प्योर लैंग्वेज है। लेकिन मेरे को देख के आपको बता नहीं सकते कि मैं हरियाणी भी बोल रहा हूँ, मैं गुजराती बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज, एक नॉर्मल इंसान जैसे बात करता है। तो इसीलिए हम नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई भी कराते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें स्कूल की पढ़ाई जो इंग्लिश साइंस मैथ एसएसटी सिविक्स ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये हम पढ़ाई कराते हैं, यानी कि एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, यानी कि यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई भी कराई जाती है, बच्चा स्कूल में तो पढ़ के आएगा, ठीक है, स्कूल पढ़ के आने के बाद जो होम ट्यूशन होता है वो हमारे साथ में करेगा। सर ये तो बड़ी सही चीज बता दी आपने, तो विवेक बिंदल जी ने तो कमाल कर दिया। हाँ कमाल कर दिया, और इसके साथ में बचपन से ही बच्चों को वो सारी स्किल सिखाना चालू कर देंगे, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, बातचीत करना, पर्सनैलिटी, एटिकेट्स, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी स्किल्स भी एज के हिसाब से किस एज पे क्या सिखाना है, यानी कि एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, ये सब कुछ हम सिखाते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, बच्चों को बचपन से ही कंडीशनिंग बदल जाएगी और बचपन से ही बच्चा स्मार्ट बनने लग जाएगा, और जब तक वो 12वीं पास करेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्पीट करने के लिए तैयार हो जाएगा बच्चा, ये हम कराते हैं। तो हितेश भाई बात तो समझ में आ गई अभी तक मेरे को, कि बड़ा बिजनेस एक स्कूल है जहां पे सबको पढ़ाया जाता है, एक कॉलेज है जहां पे सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाया जाता है, आपने कोर्सेज के नाम भी बता दिए, लेकिन पढ़ाता कौन है यहाँ पे, प्रॉब्लम तो ये पढ़ाता कौन है बताता हूँ। यहाँ पे पढ़ाते हैं हमारे एक्सपर्ट जो दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन है, जिन्होंने खुद जीरो से लेकर 10-15 हजार करोड़ की कंपनी बनाई है, विवेक बिंदल जी उनको अपने साथ में लाए और उनको प्रोफेसर बनाया। आपको बात बताऊं, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके माता पिता को ये नहीं पता होगा कि आपके कॉलेज में आपका टीचर कौन है, आपके स्कूल में आपका टीचर कौन है, वो टीचर खुद कितना पढ़ा लिखा है, आपके कॉलेज में जो आपको MBA पढ़ा रहा है, मान लो कोई आपको बिजनेस करना सिखा रहा है MBA के अंदर, वो उसने खुद कभी कोई बिजनेस किया है जिंदगी में, वो बुक से देख के पढ़ा रहा है सिर्फ। जिस इंसान ने खुद कभी बिजनेस नहीं किया वो कैसे बिजनेस करना आपको सिखा सकता है, बुक से पढ़ के तो बुक से देख के तो कोई भी पढ़ाई कर लेगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद बिजनेस किए और जीरो से लेकर 10-15 हजार करोड़ की कंपनी बनाई, ये लोग यहाँ पे आके बिजनेस करना आपको सिखाते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, HR, कस्टमर सर्विस, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, जो मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग, जीमेल मार्केटिंग, दुनिया भर की चीजें ये सब यहाँ पे सिखाते हैं। तो मैं आप लोग से बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अगर हमारे इन प्रोफेसर से जो पढ़ेगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? आपके माता पिता को ये नहीं पता होगा कि आपके कॉलेज में टीचर कौन है, लेकिन जब आप जो बच्चा हमारे यहाँ पे कोर्स लेगा और हमारे यहाँ एडमिशन कराएगा, उसके माता पिता को पता होगा कि मेरे बच्चे को कौन पढ़ा रहा है और वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, कि दुनिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हमने खोला है जिसने गेम चेंज कर दिया है, बच्चे लाइन में खड़े होकर कोर्सेज परचेज करते हैं। तो आप सोच रहे देश भाई सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं कैसे लाखों रुपए कमाऊंगा ये तो बता दो, मैं तो आया था IBC के बारे में जानने की, IBC बन के मैं कैसे लाखों रुपए कमाऊंगा, आप तो बातें कुछ और कर रहे हो। सर रुक जाइए, अभी आप लाखों रुपए कमाएंगे हमारी बड़ा बिजनेस की डिजिटल फ्रेंचाइजी लेके,
लेकिन डिजिटल फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए कि किस कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एब्सोल्युटली यस यस, सब कह रहे हैं सर फायदा मिलेगा मिलेगा। तो चलिए अब आपके मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा बिजनेस कंपनी, बड़ा बिजनेस क्या था, विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्या बिजनेस है, क्या होता है। सर आईबीसी का काम क्या है, आईबीसी कैसे काम करता है और वो कैसे पैसे कमाता है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगले 2-4 मिनट के लिए पूरा फोकस मेरी तरफ। तो मान लीजिए आज के दिन आप में से किसी को भी LIC करानी है, LIC करानी है, आप कहाँ जाएंगे? आप किसी LIC एजेंट के पास जाएंगे। आप रोड पर चलते हुए किसी भी इंसान से LIC नहीं करा सकते। एजेंट के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है LIC करने के लिए। इसी तरीके से जब कोई भी IBC बनता है तो वो हमारा ऑथराइज्ड पर्सन बन जाता है। यानी कि इस पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी हमने कोर्सेज के दिखाई, लिस्ट दिखाई, जितने कोर्सेज के नाम दिखाए, हमारे पूरे बड़ा बिजनेस में किसी को भी अगर एडमिशन कराना है, कोई भी कोर्स परचेज करना है, तो फोन घुमाएगा हमारे IBC को, वो ढूंढेगा हमारे IBC को कि IBC कहाँ है भैया, कोई IBC है क्या, कोई IBC है क्या। जो ढूंढेगा कैसे बताऊंगा अभी आगे, अभी समझिए। यानी कि सिर्फ एक IBC ही ऐसा इंसान है जिसके माध्यम से हमारे कोर्सेज को वो खरीद सकता है। आपको बात समझ में आ गई? तो IBC बनने के बाद क्या होगा कि आप हमारे एक थ्राइस्ट पर्सन बन जाएंगे, आप एक मिनी फ्रेंचाइजी यानी कि डिजिटल फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो यार आज आपको एक मारुति की कार खरीदनी है, तो कहाँ जाएंगे आप? मारुति के अथोराइज सेंटर में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, किसी के पास थोड़ी ना खरीद लेंगे, वो एक अथोराइज मारुति का शोरूम है। ऐसे ही आप हमारी बड़ा बिजनेस की डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लेंगे, आपका एक खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसा? एजुकेशनल बिजनेस। जिस आप ये समझ लो कि जब आप IBC बनते हैं ना, तो आपका एक ऑनलाइन कॉलेज स्टार्ट हो गया है, आपने एक ऑनलाइन अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया है जहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। नाम बड़ा बिजनेस का है, कॉलेज उनका है, प्रोफेसर उनके हैं, टेक्नोलॉजी उनकी है, सिलेबस उनका, स्टडी मटेरियल उनका, सब कुछ, हेडेक उनकी, टेंशन उनकी, सारी सरदर्दी उनकी। आपने तो डिजिटल फ्रेंचाइजी ले ली, आप बस बैठ के बीच में पैसा कमाएंगे मोटा। कैसे कमाएंगे बताऊंगा अभी आगे। यानी कि IBC बनने के बाद में कोई भी आपसे कोर्सेज को खरीद सकता है और आप किसी को भी कोर्सेज को सेल कर सकते हो। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अब आपके मन में सवाल है, हितेश भाई जो आप बात कर रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई क्यों, कैसे आएगा कोर्स खरीदने, कैसे आएंगे लोग मेरे पास? किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं एक IBC हूँ? किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने डिजिटल फ्रेंचाइजी ले रखी है? मेरे पास महीने का 1 लाख रुपए कैसे आएगा? इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में नीचे हमें मैसेज करके बताइए जल्दी से कि हाँ सर हितेश भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। देखो भाई मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझसे पुराना कोई नहीं है बड़ा बिजनेस में, यकीन मानना। जितनी क्लैरिटी से मैं आपको समझा सकता हूँ कोई नहीं समझा सकता, वादा कर रहा हूँ आपके साथ। इसलिए जिस मेरे टीम मेंबर ने इस मीटिंग में आपको बुलाया है ना, उसके साथ टच में रहना, कुछ छोटे मोटे डाउट अगर रह भी जाए ना तो उनसे पूछ लेना, वो क्लियर कर देंगे और वही इंसान आपको आगे लेके जा सकता है। इसलिए उनके साथ बढ़िया रिलेशन जरूर बना के रखना आप लोग, ठीक है? मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि IBC है क्या। मेरी मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, मैं IBC को ना अलग नजरिए से देखता हूँ। कुछ लोग देखते हैं कि IBC ना पैसा कमाने की मशीन है, IBC क्या है, पैसा कमाने की मशीन है। नहीं, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि IBC जो है ना, एक इंसान को काबिल बनाने की मशीन है। कैसे? देखिए, एक इंसान को कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? पहली चीज एजुकेशन, यानी कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। पढ़े लिखे मतलब डिग्री नहीं, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा ज्ञान, आप बुद्धिमान होने चाहिए। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, या तो आप अच्छी नौकरी कर रहे हो या आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। अच्छी नौकरी करके भी पैसा कमा सकते हैं, अच्छा बिजनेस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल गया तो डेफिनेटली आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप लोगों ने अधूरा काम किया। आप स्कूल में गए, पढ़ाई की, वो पढ़ाई सिर्फ नाम नाम की, एक्चुअल में आप बुद्धिमान बने नहीं, एक्चुअल में आपके पास नॉलेज आई नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो बीच में ही टूट गया, आप आगे अच्छी नौकरी मांगने जा रहे हैं, मिल नहीं रही है, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करना आता नहीं है, पैसे नहीं है, ब्रेक लग गया यहाँ पे। IBC क्या है कि कंप्लीट पैकेज है। क्या है? एक कंप्लीट पैकेज IBC। कैसे पैकेज है? सुनिए, देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज, बढ़िया चीज आपके लिए इस पृथ्वी पे आज तक बनी नहीं है। अगर आप अभी स्टूडेंट है और आपकी उम्र मान लो अभी 25 साल से कम है, सबसे परफेक्ट टाइम है आपके लिए, चाहे आप स्कूल में हो, 10th 11th 12th में हो, चाहे कॉलेज में हो। कैसे? देखिए, पहली चीज हम एजुकेशन देंगे आपको। आपने आज मान लीजिए, ठीक है, आपने
आईबीसी ज्वाइन कर लिया। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद हम आपको पूरा स्कैन करेंगे और स्कैन करके आपको देखेंगे आप में कितनी कमियां हैं, आपको क्या क्या नहीं आता, आपको बात करने नहीं आती, अच्छे से बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, आपको बिजनेस की समझ नहीं है, आपको भी जॉब करनी है तो इंटरव्यू देना आपको नहीं आता, आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी ये सब चीजें नहीं आती, एडिटिंग वीडियो सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, पूरा आपको स्कैन किया जाएगा और देखा जाएगा कितनी कमियां हैं आपके अंदर, फिजिकल कमी नहीं, नॉलेज के लेवल पे प्रैक्टिकल कितनी चीजें नहीं आती, और वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। पहले आपके ट्रेनर सब कुछ आपको सिखाएंगे, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी, आपके मैनेजर एक एक चीज आपको सिखाएंगे, उससे क्या होंगे आप काबिल बनेंगे, आपको हम पहले काबिल बनाएंगे, ठीक है। और ये उसके साथ साथ में हम आपका बिजनेस भी सेटअप करके देंगे। अच्छा, नॉलेज के अंदर हम आपको वो जो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है ना, जो वो पास आओ, वो जो अमीर करोड़पति लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं फॉरेन, और वहां जाके जो पढ़ के आते हैं, वो 2 साल की पढ़ाई भी हम आपकी कराते हैं, साथ साथ चलती रहती है, उससे आप और इंटेलिजेंट बन जाते हैं और बुद्धिमान बन जाते हैं। तो क्या हो गया, आप बुद्धिमान बन गए, इंटेलिजेंट बन गए, आप काबिल बन गए, और साथ में हम आपका बिजनेस भी सेटअप करा के देते हैं, आपकी वेबसाइट बना के देते हैं, आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, आपका सीएमएस सेट करके दे देते हैं आपको, क्योंकि तो बड़ा बिजनेस की डिजिटल फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो। इसके साथ में देखो, आज हिंदुस्तान में बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं, लोग क्यों डरते हैं बिजनेस करने से, क्योंकि लगता है कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसे डूब जाएंगे, सेल नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कपड़े की दुकान, आप देखो रेस्टोरेंट खुलता है 2 महीने के बाद रेस्टोरेंट गायब हो जाता है वहां से, क्यों, रेस्टोरेंट चला ही नहीं, कस्टमर आए नहीं, अरे भैया तुमने कहीं सीखा ही नहीं बिजनेस करना, कैसे चलाओगे बिजनेस करना। तो हमारे यहाँ पे आईबीसी में आप कभी फेल नहीं हो सकते, कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि आप देखो पहले तो पढ़ा लिखा के आपको बुद्धिमान बना देंगे, आप खुद स्ट्रांग बन गए, दूसरा आपका बिजनेस सेटअप करके दे देंगे, तीसरा आपको लाइव ट्रेनिंग मिलती है बिजनेस करने की, रोज आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको कभी सेल्स करना सिखाएंगे, मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, बात करना, ये लाइव कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्स तो अलग हो गए, आपको एक प्रॉपर ट्रेनर दिया जाएगा, आपको पूरी उम्र भर, पूरी जिंदगी भर, जब तक आप जिंदा है, जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक बड़ा बिजनेस है पृथ्वी है, तब तक आपको डेली इंप्रूवमेंट कराई जाएगी आपके अंदर, रोज आपको बिजनेस करना सिखाया जाएगा, इससे आपको पूरा बिजनेस करना आ जाता है। आज आपको जो कुछ नहीं आता हो मेरे भाई, घबराना नहीं है, नितेश सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो गांव में रहता हूँ, मुझे तो मतलब बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है, कुछ तो बुरा हाल है, 8वीं 10वीं पास, कुछ नहीं आता, भैया आपने पीएचडी भी कर रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम तो जीरो से लेके हीरो बनाएंगे आपको, आप हमारे न्यू बॉर्न बेबी हो, क्या हो, न्यू बॉर्न बेबी, सब सिखाएंगे आपको, ठीक है। और इसके साथ में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी, आप पैसा भी कमाएंगे बिजनेस करके हमारे साथ, तो हो गया ना पूरा कॉम्बिनेशन, या पढ़ाई लिखाई भी करा दी, बिजनेस सेटअप भी करा दिया, बिजनेस करना भी सिखा दिया, पैसे भी कमवा दिए, एक कंप्लीट पैकेज है, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ाई चलेगी फिर बिजनेस करेंगे, साथ साथ चलेगा, सब कुछ साथ साथ चलेगा, तो ये पैकेज है पूरा। और कोई मुझसे पूछता है कि हितेश भाई बिजनेस आईबीसी बनने की सही उम्र क्या है, कब आईबीसी बनना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई जब बच्चा पैदा होता है ना, आधार कार्ड बाद में बनाओ, पहले उसको आईबीसी बनाओ, क्योंकि तो आईबीसी पैसा कमाने की मशीन नहीं है, आईबीसी एक व्यक्ति को काबिल बनाने की मशीन है, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको काबिलियत के पीछे भागना है, आपको काबिल होने के पीछे भागना है, आपको सारी स्किल सीखने के पीछे भागना है, अगर ये माइंडसेट आपने चेंज कर दिया ना, पैसे दोस्त अपने आप आ जाएंगे। आईबीसी लोग इसलिए आज इतने लोग बन रहे हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। अगर यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में, मैसेज में, कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ हितेश भाई यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ फटाफट से आपको, यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि आईबीसी बनने के बाद में लोग आएंगे मेरे पास में, एडमिशन कराएंगे, कोर्सेज सेल होंगे, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूंगा इसको मैं 1 मिनट के बाद, देखिए सुनिए, जैसे आप आईबीसी बनते हैं हमारे साथ, ठीक है, आईबीसी बनते हैं, इसमें आपको पूरा बिजनेस करना सिखाते हैं, आपको ब्रांड बिल्डिंग सिखाते हैं, पूरा सेल्स करना भी सिखाते हैं, सेल क्लोज करने में मदद भी करते हैं, कस्टमर से बात करना भी सिखाते हैं, मार्केटिंग करना भी सिखाते हैं, ऑफिस भी हम आपको स्पेस देते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपको सिखाते हैं, साथ में इसके साथ में आपको पूरा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते हैं, आपको हम वेबसाइट बना के देते हैं, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, आपको ट्रेनर देते हैं, जो ट्रेनर आपको ट्रेन करेगा, लाइफ टाइम आपको ट्रेनर मिलता है, वेबसाइट्स के साथ में आपको आईबीसी मैनेजर भी मिलता है, रीजनल मैनेजर मिलता है, आपको पर्सनल कोच मिलता है, और मार्केटिंग कस्टमर को भेजने के लिए फ्लायर, एसएमएस, वीडियो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आप आईबीसी ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक पूरा पैकेज हम आपको दे रहे हैं साथ में, मतलब फिर मेरी जेब से क्या लगेगा, मुझे क्या करना है, बताया ना आपको बैठ के पैसे गिनने हैं, आपको बैठ के पैसे गिनने हैं, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा मैं इसको
2 मिनट का टाइम लेके इसको एक बार और थोड़ा सा समझाना चाहूंगा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में कि आईबीसी बनने पर एग्जैक्टली आपको क्या करना है। लाइव डेमो दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपने आज आईबीसी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फिर हम आपको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग देंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, क्या काम है, क्या कोर्सेज के नॉलेज देंगे, सब कुछ देंगे। उसके बाद में हम आपके स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट। आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर पूरे दिन भर एड चलती रहती है, हर फोन की, कोई ना कोई कार की, दुनिया भर की एड आती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये क्या, इसको मार्केटिंग करना बोलते हैं, है ना। दुनिया के हर बिजनेस में मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हम लोगों की भी एड चलती है हर जगह पे, बड़ा बिजनेस की भी चलती है। आप सब लोगों ने हमारी वीडियो देखी, आप सबने मेरी वीडियो देखी, वहां पे नंबर था, आपने कॉल लगाया हमारे पास। देखो, हम तो आपके पास नहीं गए ना भाई, अंकुर भाई, क्या हम आपके पास गए? नहीं, आप हमारे पास चल के आए हैं, है ना। आपने हमें खुद फोन किया कि सर मेरे को इस कोर्स के बारे में समझना है, बताओ मुझे, आईवीसी के बारे में समझना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, मुझे स्टार्टअप करना। आपने हमें कॉल किया, तो जैसे आपने हमें कॉल किया ऐसे कस्टमर भी आपको कॉल करेगा। दो तरीके से मार्केटिंग होगी, हम एड चलाएंगे, या तो कस्टमर का फोन आपके पास आ जाएगा, या फिर आपको डाटा मिल जाएगा, मोबाइल नंबर और नाम मिल जाएंगे। काम कितना होगा, देखो ये आपका फोन है, है ना, इस फोन पे कॉल आया कस्टमर का, ठीक है, या तो डाटा मिल जाएगा, आप खुद कॉल कर लेंगे। मैं ज़ूम कर रहा हूं कि कॉल आया कस्टमर का, आपको कहीं नहीं जाना, आपको रोडों पे, गली में, आपको घर पे बैठना है आराम से। आप घर पे आराम से बैठ गए, फोन बजा मोबाइल में, आपने फोन उठाया, समझ लो आप आईबीसी बन चुके हो अभी। हेलो सर, मैं हितेश बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस विवेक गुंदा जी के ऑफिस से। आगे से बोलेगा, सर मैंने वो ना, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, मुझे उसके बारे में जानना था। ओके सर, आपका क्या नाम है? ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, ओके परफेक्ट। हम आपको एक स्क्रिप्ट देंगे छोटी सी, 2-3 मिनट की, कि कैसे बात करनी है, गुड मॉर्निंग, कैसे बात, बड़ा बिजनेस के बाद थोड़ा सा आपको बोलना है। फिर आप उसको बोलेंगे, ओके सर ठीक है, मैं आपको ना 2-3 वीडियो भेज रहा हूँ छोटी छोटी, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी बड़ा बिजनेस के बारे में। पर आज रात को 7 बजे हमारा एक सेशन होने वाला है, जहां पे विवेक बिंद्रा जी लाइव आएंगे या फिर हितेश यादव जी लाइव आएंगे, और वो डिटेल में आपको पूरा समझा देंगे बड़ा बिजनेस के बारे में भी और आईबीसी के बारे में भी। तो आप रात को आज 1 घंटा निकाल पाएंगे बिजनेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए। जैसे आप लोग आज हमारे साथ मिलने आए हो, तो कस्टमर का, हाँ हाँ सर बिल्कुल, विवेक बिंद्रा के साथ बिजनेस करना है, तो 1 घंटा निकाल लूंगा मैं। तो कस्टमर को आप मीटिंग का लिंक भेज देंगे, कस्टमर रात को हमारी मीटिंग में आ जाएगा, जैसे आप लोग हमारी मीटिंग में आए हैं वैसे वो भी आ जाएगा। इतना सा काम आपको करना है, बस फोन उठा के इतना उसको समझाना है थोड़ा सा, वो हम लिख के देंगे, और फिर उसको हमारी मीटिंग में आपने बुलाना है। जैसे आप मेरे पास आए हो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ आईबीसी के बारे में, ऐसे आपका कस्टमर आएगा, आपके कस्टमर को हम समझाएंगे डिटेल में, जो भी वो कोर्स लेना चाहता है, चाहे वो आईबीसी बनना चाहता हो, कुछ भी वो लेना चाहता हो, उसको हम समझाएंगे डिटेल में, या फिर विवेक बिंद्रा जी का सेशन होता है, विवेक बिंद्रा जी उसको डिटेल में समझाएंगे पूरा। आपका कस्टमर सब कुछ समझ जाएगा, बट फिर भी कुछ तो डाउट रह जाएंगे। फिर आप फोन करेंगे उसको कि सर आप वेबिनार में आए थे? हाँ सर आया था। सर क्या क्या डाउट रह गए आपके, अभी बताओ आप मेरे को, आप नोट करेंगे। अच्छा सर ये डाउट रह गया, ठीक है, अच्छा ये डाउट रहेगा, ये डाउट रहेगा, ठीक है, ओके सर डन। फिर उसके बाद हम आपको आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट देते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर आप अपने आईबीसी मैनेजर को कॉल करेंगे। अभी देखो आप तो नहीं आईबीसी हो, आपने तो अभी ज्वाइन किया, आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आप कैसे सेल करेंगे, आप तो कर ही नहीं सकते। आप फोन करेंगे अपने आईबीसी मैनेजर को कि जैसे मान लो हमारे यहाँ पे आईबीसी मैनेजर उत्सव जी, हाँ उत्सव सर मेरे को ना, मेरा एक कस्टमर है, उसके 3-4 डाउट रह गए हैं सर, एक बार आपकी हेल्प चाहिए। बोले हाँ लाओ फटाफट कॉल कराओ, वीडियो कॉल पे बात कराओ। तो आप वीडियो कॉल पे बात करेंगे और आपके कस्टमर को आपके आईबीसी मैनेजर पूरी क्लैरिटी से समझा देंगे, डाउट के जवाब भी दे देंगे, या मेरे सेशंस होते हैं मैं आपके कस्टमर को सब कुछ समझा दूंगा। यानी कि आप एकदम न्यू आईबीसी, आपने अभी ज्वाइन किया, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और फिर भी आप आसानी से पहले महीने से ही पैसा कमाना चालू कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो उस कस्टमर के डाउट भी हम पूरे दूर कर देंगे। फिर आप बोलेंगे सर डाउट हो गए सारे दूर? हाँ सर हो गए, ठीक है तो पेमेंट का लिंक भेज दो। हाँ जी सर भेज दो। तो आप पेमेंट का लिंक भेज देंगे उसको, और कस्टमर पेमेंट कर देगा, और आपका, आपको पूरे महीने ऐसे काम करेंगे और आप पैसा कमाएंगे। अच्छा अब पैसा कितना आएगा बताऊंगा अभी मैं आगे, पहले मुझे समझाओ ये क्लैरिटी आपको मिल गई क्या, कि कस्टमर कैसे आपके पास में आएगा और आपका रोल क्या रहेगा, एक आईबीसी का काम क्या होता है। जल्दी से मुझे सबके मैसेज चाहिए, आईबीसी का काम क्या है। फोन आया, आपने उठाया, उठा के मीटिंग का लिंक भेजा, मीटिंग में कस्टमर आ गया, वहां पे हमने सब कुछ समझा दिया, या विवेक बिंद्रा जी के सेशन में आ गया, उन्होंने समझा दिया, कोई डाउट है वो आपके आईबीसी मैनेजर दूर कर देंगे, और उसके बाद में पेमेंट आप मंगा लेंगे कस्टमर से। बस इतना सा काम आपको करना है। अब बताओ उसमें क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए, आप गांव में रहते हो, शहर में हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए जिसमें व्हाट्सएप चलता है और इसके अलावा कुछ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब हम। फिर धीरे धीरे आप खुद काम करना सीख जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप समझाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम आपके पास में रहेगा ना। लेकिन हाँ, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, ये आपको याद रखना है, बिना डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस नहीं हो पाएगा। इसके बारे में मैं आगे थोड़े डिटेल में बात करूंगा। चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया था, समझिएगा सर पैसा कितना आएगा, मैं कितना कमाऊंगा। देखिए, कोई भी नॉर्मल बिजनेस करते हैं उसमें बहुत कम इनकम होती है ना, बहुत कम प्रॉफिट होता है। लेकिन आप जब बड़ा बिजनेस में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप हमारी कंपनी की डिजिटल फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आपको फ्लैट 33.5% का कमीशन मिलता है, यानी कि आपका प्रॉफिट होता है। देखो क्या होता है, जैसे आपने कपड़े की दुकान खोली, सामान बिका, आपका खर्चे खुर्चे सब निकाल के प्रॉफिट बच जाता है 10%, 15% जो भी प्रॉफिट बच जाता है। ऐसे यहाँ पे आपका जो इंसेंटिव होता है, प्रॉफिट होता है 33.5%, 1/3 होता है। कोई स्लैब नहीं है, मतलब आप 1,000 रुपए की सेल करोगे पूरे महीने में तो भी 1/3 मिलना है, 33.5%। आप 10 लाख की करो तो भी 33.5% मिलना है, यानी कि 1/3 आपका प्रॉफिट है यहाँ पे। और खर्चा क्या है आपका, ना आपको ऑफिस खोलना, ना बिजली का बिल भरना, ना स्टॉक रखना, ना स्टाफ रखने, ना फर्नीचर टेबल, कुछ नहीं। घर पे आराम से बैठे राजा बाबू की तरह, ये फोन उठाया, हाँ जी सर रितेश यादव बात कर रहा हूँ, वीर कुंदर जी के ऑफिस, बड़ा बिजनेस से। वो भी कहेगा सही है, वीर कुंदर जी के ऑफिस फोन लगाया, रितेश जी से बात हो रही है, हाँ सर बताइए क्या जानकारी चाहिए। ये करना है बस आपको, इतना सा काम करना है ना, बट उसके लिए आपको पहले आईबीसी बनना पड़ेगा। देखो आज आप लोग आईबीसी नहीं है, आप हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं। मान लो आप कोई कहता सर मेरा बच्चा है घर पे और मैं चाहता हूँ उसको पब्लिक स्पीकिंग सिखा दूं विवेक पिंदर जी के जैसी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाने पे बच्चों को। आपको दोस्त अगर हमसे, विवेक बिंद्रा जी से, हमारी टीम से पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, अपने बच्चों को सिखानी है, आपको हमारे किसी आईबीसी को फोन करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा सर पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स के बारे में बताओ, बताएगा, फीस बताएगा, आप पैसे देंगे, वो आपका कोर्स चालू करा देगा। ये काम होता है, या तो आज आप हमारे कोर्स खरीद सकते हैं या आईबीसी बन सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अब आते हैं धंधे की बात पे। चलिए, यहाँ तक आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि आईबीसी का काम क्या होता है, बड़ा बिजनेस क्या है, कैसे काम चलेगा, सब समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता हूँ कि बड़ा बिजनेस कंपनी की ही डिजिटल फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए आपको, वाई बड़ा बिजनेस। सर दुनिया में बहुत कंपनी है, किसी के साथ भी। देखो कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ ना विवेक बिंद्रा जी ना अपने कोर्स बिकवा रहे हैं हमसे, मतलब हमें उनके कोर्स बेचने हैं और हमसे पैसा नहीं लग रहे हैं। तो कुछ कम बुद्धि के लोग ऐसी बातें भी करते हैं, क्या करते हैं ऐसी बातें कि विवेक बिंद्रा जी के कोर्स बेचने हमको और हमसे वो पैसा भी ले रहे हैं कोर्स बेचने के लिए। सर मेरी बात ध्यान से समझिए, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बेचना ही होता है आपको, बिजनेस का मतलब ही बेचना होता है। कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठा है कपड़े बेच रहा है, कोई मोबाइल की दुकान खोल के बैठा है मोबाइल बेच रहा है, आपके घर के आसपास एक किराने की दुकान है जिसमें शैम्पू रखा है, चावल रखे, चीनी रखे, क्या उसने खुद बनाया है? जो शैम्पू हेड एंड शोल्डर का जिस किराने की दुकान से आप लेके आते हो, क्या उसने खुद बनाया है? आंसर इज नो, नहीं बनाया, वो बनाया किसी और ने है, वो तो दूसरे का सामान ही बेच रहा है भैया दुकान पे। आप कपड़े लेने गए किसी दुकान पे, क्या उसने खुद बनाए कपड़े? नहीं भैया, वो किसी और के बनाए हुए कपड़े रख के अपनी दुकान पे बेच रहा है। आप लैपटॉप खरीदने गए दुकान पे, क्या वो लैपटॉप से खुद बनाया है? नहीं, लैपटॉप किसी और के हैं, वो तो लाया दुकान पे रख के बेच रहा है लैपटॉप। यानी कि बिजनेस दोस्त ऐसी होता है, वो कुछ कम बुद्धि के लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है आपको, तो एडवाइस ऐसे लोगों से लेनी है जिसको बिजनेस की समझ और नॉलेज हो। दूसरी बात, आप किसी भी बड़ी कंपनी की अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं, डीलर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, सर सब जगह पे ना 5 लाख 10 लाख 15 लाख फीस होती है फ्रेंचाइजी की। आप गूगल पे जाके चेक करना कि फ्रेंचाइजी की फीस कितनी होती है, हर जगह 2 लाख 5 लाख 10 लाख होती है। हम ये 2 लाख 5 लाख 10 लाख में से एक भी रुपए नहीं लेते, फ्रेंचाइजी फीस के नाम पे 0 रुपए, पूरी फीस आपकी विवेक बिंद्रा जी आपको स्पॉन्सर करते हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ दोस्तों। अभी आप ये समझिए कि अगर आप आईबीसी बन जाते हैं, आपका बिजनेस ही क्यों ग्रो करेगा, बड़ा बिजनेस ही क्यों? देखिए कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ना, उस बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल अच्छी कब होती है, सामान कब बिकता है, सामान तब बिकता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, प्रोडक्ट में दम हो। अब जैसे आईफोन है, आईफोन क्यों बिकता है भाई? 1.5 लाख रुपए का फोन, 1.5 लाख का फोन है, लेकिन लोग लाइन में खड़े होकर खरीदते हैं, क्यों? क्वालिटी, क्वालिटी की वजह से डिफरेंट है बिल्कुल। दूसरी चीज, कॉम्पिटिशन ना हो, अगर आईफोन का कोई का क्या कंपटीशन है? कोई नहीं कंपटीशन, आईफोन भी आईफोन है, आईफोन है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो बिकता है आराम से, जो पैसा ये बोलेगा 5 लाख लो 5 लाख भी देंगे। तीसरी चीज, अगर प्राइस अफोर्डेबल हो, बहुत ज्यादा लोग खरीद सकते हैं। मान लो आज ये आईफोन अगर ये
40,000 में ऐसा ही इतनी अच्छी क्वालिटी का 40,000 में लॉन्च कर दे, सोचो कितनी दुनिया खरीदी लाइन लग जाएगी। तो अगर प्राइस अफोर्डेबल हो बहुत ज्यादा सेल हो सकती है। चौथी चीज, कस्टमर सर्विस बेस्ट होनी चाहिए। और पांचवी चीज, ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग, मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो। फिर ये पांच चीजों के आगे आपके टिक लग जाते हैं, वो बिजनेस आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए इन पांच चीजों के आगे। अब चेक करते हैं, अगर आप आईबीसी बनने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा बिजनेस का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या इन सब के आगे टिक लग रहा है? चलिए चेक करते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं प्राइस की, कि बड़ा बिजनेस की जो कोर्स है वो कोई खरीद पाएगा क्या? कोई बहुत महंगे तो नहीं है, पता चले मैं आईबीसी बन जाऊं और किसी ने मेरे को फोन किया कि भैया तुम्हारे कोर्स के बारे में पता चला, मैंने ऐड देखी थी और मुझे ना ये मेरे को सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट का कोर्स कितना है तुम्हारा बड़ा बिजनेस के अंदर बताओ मेरे को? और तुमने बोल दिया भैया 1 लाख रुपए का। सर तो कोई खरीद नहीं 1 लाख का कोर्स, तो गलती कर दी आईबीसी बन के। तो चलिए जानते हैं कितने रुपए के कोर्सेज है। हमारे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है वो 999 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ गलत नहीं लिखा, ये सही है, 999 रुपए से। यानी कि गांव में बैठा बच्चा आज सिर्फ 999 प्लस जीएसटी 1180 रुपए देके स्टॉक मार्केट सीख सकता है। एक गांव में बैठा बच्चा आज, जिसके घर में 2 घंटे लाइट भी नहीं आती, 1180 रुपए देके पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता है विवेक बिंदर जी से। आज 1180 रुपए देके वो एक्सेल प्रेजेंटेशन, मतलब जितनी भी स्किल्स है बच्चों की, लीडरशिप क्वालिटी, टीम मैनेजमेंट, हमारे जितने भी 123 कोर्स है, अगर वो इंडिविजुअल कोर्सेज की मैं बात करूं तो 999 रुपए से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे आप लोगों से एक बात समझनी है, जितने भी बच्चे मिडिल क्लास में है या बहुत गरीब लोग हैं, अगर उनको ये 999 रुपए में वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन मिलने लग जाए, तो मुझे बताओ गरीब अमीर बनेगा या गरीब फिर भी गरीब रह जाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप आईबीसी बन के जिसको बताएंगे कि 999 रुपये बेटा तू ये सीख सकता है सिर्फ 999 रुपये में, तो बताओ सेल होगी कि नहीं होगी? लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अफोर्डेबल है। इसके अलावा इसके अपर रेंज में भी कोई अगर बल्क में खरीदता है 10-15 कोर्सेज, तो 2,999 रुपये में हम उसको क्या करा देते हैं, फास्ट ट्रैक एमबीए करा देते हैं। एक कोर्स की वैल्यू 274 रुपये पड़ती है, इतना सस्ता, 3,000 रुपये में एमबीए, फास्ट ट्रैक एमबीए, मनी बैक गारंटी के साथ। आपका ग्राहक, मतलब आप आईबीसी बन गए और किसी को आपने 3,000 का कोर्स बेच दिया और वो बोले यार मेरे को पसंद नहीं आया तुम्हारा, मनी बैक गारंटी, उसके पैसे वापस कर देंगे 2 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस कर देंगे अगर 2 दिन में उसने बोले मुझे पसंद नहीं आया तो। यानी कि अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल अफोर्डेबल अफोर्डेबल, इतने सस्ते हमने कोर्स बना रखे हैं। अब मुझे आप लोगों से पूछना है, अगर पूरे हिंदुस्तान में इतने सस्ते कोर्स, वर्ल्ड की बेस्ट क्लास एजुकेशन, जिसको भी आप देना चाहो कोई मना करेगा क्या आपको? आप आईबीसी बन के, थ्राइस पर्सन बन के जिसको भी कोर्स दोगे सर कोई मना नहीं करेगा आपको, सब लाइन में खड़े होकर कोर्स खरीदेंगे। अब बात करते हैं दूसरे चेकलिस्ट की, कि मैं आईबीसी ही क्यों बनूं, बड़ा बिजनेस के साथ ही क्यों बिजनेस करूं? कोई किराने की दुकान खोल लेता हूँ, कोई कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, या सब्जी बेच लेता हूँ, गोलगप्पे के ठेला लगा लेता हूँ, या फिर मैं लैपटॉप फर्नीचर की दुकान खोल लूँ? देखो बिजनेस तो कोई ना कोई तो करोगे ना मेरे भाई, कोई ना कोई तो बिजनेस करना पड़ेगा ना, अगर बिजनेसमैन बनना है तो घर पे बैठ के बिजनेसमैन बनोगे नहीं, तो वाई बड़ा बिजनेस? तो दूसरा फैक्टर था ब्रांडिंग का। सर आज हम नंबर वन है, विवेक बिंद्रा जी इज द ओनली वन। आज चेहरे पे मुस्कान आ गई सोनियो, आप में से कितने लोगों ने विवेक बिंद्रा जी को कपिल शो शर्मा पे देखा? जल्दी से बताइए कितने लोगों ने देखा विवेक बिंद्रा जी को कपिल शर्मा? सबने देखा है, सबने। भैया अगर आपके माता पिता बोले ना फ्रॉड होगा, भाग जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको एक बार टीवी पे दिखा देना कपिल शो शर्मा के अंदर, कि कौन है विवेक बिंद्रा जी। दुनिया जिनके नाम की कस्में खाते हैं, सरकार भी जिनसे सलाह मांगती है, एडवाइस लेती है, वो है सर विवेक बिंद्रा जी। फॉरेन कंट्री बाहर से आके विवेक बिंद्रा जी से प्राइवेट कंसल्टेशन लेके जाती है कि देश को कैसे चलाना है। देश की सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर विवेक बिंद्रा जी को बोलते हैं सर आप सलाह दो कि कैसे स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाए, वो है सर विवेक बिंद्रा जी। तो यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत बढ़िया है तो उसको सेल करने में दिक्कत नहीं आती है ना। अभी आईफोन है, इसकी ब्रांडिंग बहुत बढ़िया है, आईफोन को बेचने में दिक्कत नहीं है। अमूल कंपनी है, दूध आपको खरीदना है, और जहां पे लिखा अमूल का दूध आप सोचेंगे थोड़ी ना अमूल अभी बढ़िया दे दे, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे जब आप आईबीसी बनते हैं तो बड़ा बिजनेस की ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। आप किसी को बताते हैं कि सर मैं बड़ा बिजनेस का बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो लोग पहचान जाएंगे, अच्छा बड़ा बिजनेस, हाँ पता है सर वो। आजकल तो विवेक बिंद्रा जी हर दूसरे दिन यूट्यूब चैनल पर बैठे रहते हैं, किसी ना किसी न्यूज चैनल के ऊपर आते रहते हैं, दुनिया जानती है विवेक बिंद्रा जी को, तो सेल करने में दिक्कत नहीं आएगी। हर टीवी चैनल पे हमारे टीवी शो आ चुके हैं, हॉर्सेस टेबल फंडिंग शो आ चुका है, बड़ा भारत शो, इतनी बड़ी ब्रांडिंग हो चुकी है बड़ा बिजनेस की। क्या ये छोटी तैयारी है? ये बहुत बड़ी तैयारी है, ये बहुत लंबी बहुत लंबी बहुत लंबी ये सबसे विवेक बिंद्रा जी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग छोटा मत सोचिएगा, आप आज अगर आईबीसी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं ना, सर ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी शुरुआत है,
अभी शुरुआत है, इतिहास रचना बाकी है। सोच के देखिए, विवेक बिंद्रा जी ने पूरी दुनिया को बिजनेस करना सिखाया है। वो आज यूट्यूब पे सबसे बड़े एशिया के नंबर वन एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं। तो जो वो दुनिया को सिखा सकते हैं, तो आप तो भैया हमारे बिजनेस पार्टनर बन रहे हो कि आपको नहीं सिखा सकते। सोच के देख मेरे भाई, मुझे भी उन्होंने सिखाया है। आज मैं यहाँ पे खड़े होकर जो बोल रहा हूँ ना, इतने कॉन्फिडेंस से, इसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, कैमरा फेस करना। किसने सिखाया है? आईबीसी में आने के बाद सीखा है, बड़ा बिजनेस सीखा है। बड़ा बिजनेस की ब्रांडिंग देखिए आप, हम तैयारी कर रहे हैं आज से 10 साल के बाद की, 15 साल के बाद की। अगर आपने मेरी बड़ा बिजनेस की ऐप को डाउनलोड किया होगा ना, तो वहां पे आपको बड़ा बिजनेस कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नजर आया होगा हमारा। फिर सोचा क्यों बनाया हमने ये? दिमाग तो लगाया नहीं होगा आपने। आज तो हम कोर्सेज बेच रहे हैं, आज तो हमारी एजुकेशनल कंपनी है। अभी बता रहा हूँ एडवांस में, क्योंकि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो। मुझे पता आप सब आईवीसी बन जाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग खुद का है आपके पास, तो आप आईबीसी ज्वाइन जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि अगर आप आईबीसी आज नहीं बने, तो ये वादा दोस्त मैं आपको कर रहा हूँ, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, आगे चल के आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, ये वादा आज मैं आपको कर रहा हूँ कि आपके बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे हमारे बड़ा बिजनेस में ही पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे आपको बोलेंगे पापा विवेक बिंद्रा जी का वो है ना बड़ा बिजनेस, वहां ट्यूशन लगवाओ मेरा। जब वो बड़े हो जाएंगे, पापा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई तो विवेक बिंद्रा जी के पास जाके करूंगा। ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, वो सब खत्म कर देंगे, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आज 20 से 30 ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली है कि भैया हम अपने बच्चों को अच्छे नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, आप पार्टनरशिप कर लो हमारे साथ, और जो आपके कोर्सेज है उसके माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, सब खत्म कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम वी आर द ओनली नंबर वन एजुकेशन के मामले में। तो अगर आज आपने आईबीसी ज्वाइन कर लिया ना, तो ऐसी स्पीड, ऐसी रॉकेट की तरह आगे जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। तो हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया हिंदुस्तान में पहला, जैसा आप फेसबुक पे देखते हैं पूरा चल रहा होता है, इंस्टाग्राम पे, ऐसा हमने भी बना दिया है। तो जो काम जस्ट डाई करती है, इंडिया मार्ट करती है, वो तो सारे फीचर हमारे ही ऐप पे आने वाले हैं। वीडियो एडिटिंग आपको करनी है, आपको फ्लायर बनाने, कुछ भी करना है, पूरा सोशल मीडिया ये फ्यूचर है हमारा। यहां से हमारे आईबीसी को आज से 10 साल के बाद बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। इस पर 100-200 करोड़ रुपए लगा चुके हैं विवेक बिंद्रा जी। भाई 100-200 करोड़ क्यों लगा रहे हैं? यहाँ से इनकम तो कोई आ नहीं रही, क्योंकि वो आईबीसी के लिए भविष्य तैयार कर रहे हैं। ये बात आज डिटेल में समझ में नहीं आई, बस भरोसा रखना विवेक बिंद्रा जी पे, जो दुनिया को बिजनेस करना सिखाते हैं, उनको खुद को भी आता है, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे पास स्टार्टअप शो आ चुके हैं, मतलब कि ये भगवान, ब्रांडिंग इतनी सुपर सॉलिड है कि आपको सेल करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इनकी सारी चेकलिस्ट पे आपका टिक लग चुका है। बात करते हैं कस्टमर सर्विस सपोर्ट की। देखिए, जब आप आईबीसी बनते हैं, आप नई नई आईबीसी होंगे, काम करना नहीं आता आपको, कुछ नहीं आता, आपने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, सेल नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता। आपको हम एक रीजनल ट्रेनिंग हेड देंगे, जोनल ट्रेनिंग हेड देंगे, रीजनल मैनेजर देंगे, जोनल मैनेजर, आपको पर्सनल कोच, आपका चैनल पार्टनर और आपका आईबीसी मैनेजर, ये सारी टीम आपके साथ काम करेगी। इनको सैलरी आप नहीं देंगे, सैलरी इनको हम देंगे, काम ये आपको साथ करेंगे, काम ये आपका करवाएंगे, सेल ये आपकी करवाएंगे, दिन रात आपके साथ लगे रहेंगे, पकड़ पकड़ के आपके साथ हेल्प करेंगे, लेकिन सैलरी इनको हम देंगे, आपको इनको तनख्वाह नहीं देनी। हितेश भाई ठीक है, सब समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट हो गया, दिमाग के ढक्कन खुल चुके हैं, मुझे फालतू लोगों की सलाह लेनी नहीं है, मुझे समझ में आ गया ना, तो ये MLM है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो सिंपल सी चीज है, बस स्कूल है, ये तो एक कॉलेज है, बड़ा बिजनेस सिंपल सी चीज है, बस पढ़ाया जाता है सबको। आईबीसी का काम क्या है भैया? जैसे स्कूल की ब्रांचेस होती है, हर जगह स्कूल होते हैं, एक ही नाम के 10 स्कूल होते हैं, तो ये एक स्कूल मेरे नाम का खुल जाएगा, मैं इसका मालिक रहूंगा, नाम बड़ा बिजनेस करेगा, चलाऊंगा मैं बैठ के, मेरे को अपना प्रॉफिट आता रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों की सलाह नहीं लेनी जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, कम बुद्धि के लोग हैं। तो यहाँ पे कोर्स हमारे कौन को खरीदता है? स्टूडेंट्स खरीदते हैं, स्टूडेंट कैटेगरी के, पुलिस के बच्चे हमारे पास पढ़ाई करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी हमारे पास में आते हैं, और जो बिजनेस मैन है वो भी हमारे पास आते हैं। बिजनेस कैसे बड़ा करना है, स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, सबके लिए हमारे पास कोर्सेज है। एक सवाल ऐसे मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी कि सर ठीक है, मैं आईबीसी बन गया, मेरे पास कस्टमर कैसे आएंगे? मैंने क्या बोला आपको, डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर आते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो सर क्या हर महीने मेरे को डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा? फिर मुझे लगा था कि बस ये एक बार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर कोई पैसा नहीं लगेगा। देखिए, आप कोई सेल्समैन तो है नहीं, आप एक बिजनेसमैन है। आप जब दुनिया में कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में आपको पैसा तो लगाना पड़ता है और हर महीने लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अपनी जेब से नहीं लगाना आपको। मुझे एक बात बताओ, हर्ष भाई एक बात बताओ, आप महीने का जब 50,000 आईबीसी बन के कमाओगे, उस 50,000 में से 10,000 रुपए अपने ही बिजनेस में लगाने में दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। आप जब महीने का आईबीसी से 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, उस 1,00,000 में से 15,000 वापस अपने ही बिजनेस में लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं है? यानी कि बिजनेस में से पैसा बचा के बिजनेस बड़ा नहीं होता, बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस बड़ा किया जाता है। तो यानी कि जब आप आईबीसी बनेंगे, तो फर्स्ट मंथ आपकी जेब से पैसे लगेंगे, पहले महीने,
फिर उसके बाद आप पैसा खुद कमाएंगे, उसी में से लगाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर लगाएंगे। ये क्या होता है? ये बिजनेस करने का तरीका होता है। तो यानी कि जितनी भी हमारी आईबीसी की फीस है, जो भी हमारी टीम आपको बताए आईबीसी की फीस, उसके साथ में 5-7 हजार रुपए और रखना बचा के। ये अभी नहीं, देखो ये चीजें ना कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। 5-7 हजार रुपए बचा के, और देखो भैया तुम 5 लाख की कार खरीद लो, फिर बोलो कि मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, तो फिर क्या करोगे कार का? पेट्रोल के भी पैसे चाहिए ना भैया कार चलाने के लिए। इसी तरह जब आप आईबीसी बन रहे हो तो जितनी भी आईबीसी की फीस है उसके साथ में 5-7 हजार रुपए और बचा के रखना। लेकिन ये पैसा अभी नहीं चाहिएगा, ये चाहिएगा 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। इससे हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, और वहां से आपके पास कस्टमर आएंगे, कॉल आएगी, नंबर्स आपको मिलेंगे, फिर वहां से आपकी सेल होगी। उसमें से अगर थोड़ी सी भी सेल हो जाती है तो जो इनकम वहां से आएगी उससे फिर आगे आप काम करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जेब से दोबारा कभी पैसा नहीं लगाना। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको हिसाब किताब बताता हूँ कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा काम करते हैं कितना पैसा आसानी से कमा सकते हैं बड़ा बिजनेस में। देखो आप घर पे बैठ गए, आईबीसी आप बन चुके हो, आप सब लोग मान लो, एक बार फील ले लो, थोड़ा सा थोड़ा फील ले लो कि सर मैं आईबीसी बन गया। ठीक है, आप आईबीसी बन गए, आपके पास कॉल आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनबाउंड कॉल आ रही है, जरूरी नहीं कि कॉल आएगी, आपको नंबर भी मिल सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे, आपकी ऐप पे आपको कॉल बैक भी करना पड़ता है कस्टमर को। तो आपके पास मान लो दिन के सिर्फ 12 कस्टमर से बात ही, सुबह से लेकर रात तक, जैसे दुकान खोलते हैं कपड़े की, पूरे दिन में ग्राहक आते हैं दुकान पे कपड़े खरीदने के लिए, ऐसे आपके पास 12 ग्राहक आए दिन में, जिसने फोन किया भैया मुझे कोर्स लेना है वेक्सर का, मुझे ये जानकारी चाहिए, मुझे ये जानकारी चाहिए, मुझे ये, मुझे ऐसे 12 कॉल दिन में आपके पास आए। आपने 25 दिन महीने में काम किया, संडे एंजॉय किया, भाई संडे एंजॉय भी करोगे बिजनेसमैन हो, महीने में 300 ग्राहक आपके पास आए। मैं कहता हूँ 300 ग्राहक में से 95% लोगों ने बोला समझने के बाद, यार तुम्हारे ना मनी मुझे मेरा मन नहीं किया, मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, अभी टाइम नहीं, ये नहीं है। 95% लोगों ने आपको मना कर दिया, 95% ने मना कर दिया। सिर्फ 5% लोगों ने बोला कि हाँ यार मुझे विवेकानंद जी के कोर्स चाहिए। 5% मतलब 15 लोगों ने। किसी ने मान लो स्टूडेंट का 2 साल की पढ़ाई 18,000 वाले कोर्स लिए, किसी ने बिजनेस प्लानिंग कोर्स खरीद लिया, किसी ने हमारा बीबी जूनियर बच्चों की स्कूल की पढ़ाई वो ले ली, किसी ने इंडिविजुअल कोर्सेज ले लिए। ऐसे कर कर आके अगर आपकी 15 सेल भी महीने में होती है तो दोस्त आपकी टोटल सेल बन जाती है 3 लाख के आसपास, 2,80,000, और 33% के हिसाब से महीने का 1 लाख रुपए आपकी इनकम। रितेश भाई आपने तो इतनी आसानी से 1 लाख रुपए की इनकम करा दी, मतलब 1 लाख रुपए तो आपने ऐसे हो गया कुछ है ही नहीं, क्या होता है 1 लाख रुपए यार, बड़ी चीज थोड़ी ना, आपकी सोच बड़ी नहीं है। आज हर बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं ना। देखो पैसा हर बिजनेस से कमाया जा सकता है, आप सब्जी बेच के भी 1 लाख रुपए कमा सकते हो, आप कपड़े की दुकान खोल लो, मोबाइल, हर बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आईबीसी में ही कमाया जा सकता है, हर बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। बोलता हूँ तुम मुझे एक सब्जी का ठेला दे दो, मैं वहां से भी 1 करोड़ रुपए कमा दिखा दूंगा। आपको बिजनेस करना आना चाहिए। लेकिन आईबीसी बनने का फायदा यह है कि यहाँ पे हर महीने पैसे आपके लिए लगेंगे। देखो आपने कपड़े की दुकान खोली और उसमें हर महीने आपके पैसे लगेंगे, सामान नहीं बिका तो टेंशन, एक्सपायर हो जाता है, फैशन चला जाता है, उधारी का चक्कर है, बिजली का बिल है, सेल नहीं हो रही बट खर्चा चालू, सैलरी चालू, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो सेल ना भी हुई आपकी तो हर महीने का कोई खर्चा तो आपका नहीं होगा मेरे भाई, सेल ना भी हुई तो खर्चा तो कोई नहीं होगा, यानी कि आपका लॉस नहीं हो सकता, आप कभी नेगेटिव में नहीं जा सकते यहाँ पे। और आपके साथ आपका ट्रेनर, आपके कोच रहेंगे, भाई तू सेल क्यों नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत आ रही बता मेरे को, आपकी काउंसलिंग होगी, पर हमारे आईबीसी मैनेजर आपके कस्टमर से बात करके आपकी सेल करा देंगे, या मैं आपकी सेल कराऊंगा। जैसे अभी भी तो मैं समझा ही रहा हूं ना, देखो आप सब कौन हो, आप सबको हमारे किसी बिजनेस कंसल्टेंट ने भेजा, ये वीडियो भेजी कि हितेश जी आपको समझाएंगे इसमें समझ लो, और मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसी आपकी कस्टमर को भी हम ही समझा देंगे। थोड़ा सा आप सीख जाएंगे और आपकी कन्वर्जन बढ़ जाएंगे, आराम से आप महीने का 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है पहले ये तो बता दो कि महीने का 1.5 लाख रुपए कमाने के मेरे भाई। कुछ लोगों को लगता है कि अरे सर आईबीसी की फीस तो ज्यादा है थोड़ी सी, वैसे कितनी है बताऊंगा अभी, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा थोड़ी ज्यादा फीस है सर, इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है यार। मैं आप लोगों से एक बात बताता हूँ, आप जानते तो आप लोगों को भी आप चक्कर आएंगे सुनने, चक्कर आ जाएंगे आप लोगों को। आपको पता है जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बहुत पैसा लगता है बिजनेस स्टार्ट करने में। आजकल हिंदुस्तान में लोग बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसा बहुत लगता है, पैसा डूबने का मतलब कि बिजनेस नहीं चला, धंधा नहीं चला तो पैसा खराब हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेल नहीं हुई तो दिक्कत है, उधारी का चक्कर है, बहुत दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं आज चैनल पार्टनर हूँ, मेरा खुद का इतना बड़ा खुद का ऑफिस है, 50-60 लाख रुपए लगा के ऑफिस बना है, मेरे ऑफिस में मैंने 2 दिन पहले 5 लाख रुपए के लैपटॉप मंगाए हैं,
15-20 मेरे ऑफिस में इतने लैपटॉप है आज के दिन जितनी दुकान में लैपटॉप नहीं होते। मेरे ऑफिस में इतने लैपटॉप रखे हैं आज के दिन, मतलब मेरे ऑफिस में कम से कम 10 लाख रुपए के लैपटॉप रखे हैं, 10 लाख के लैपटॉप। इतना टीम है मेरे पास, इतनी मैं सैलरी देता हूँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तैयार कर रखा है ऑफिस में। बहुत पैसा लगता है बिजनेस स्टार्ट करने में, लेकिन ये किसके लिए कर रखा है मैंने सारा? अपने आईबीसी के लिए, ताकि हमारे आईबीसी बैठे वहां काम करे, आराम से रिलैक्स रहे, कोई टेंशन नहीं। पैसा हम लगाएंगे, आप आराम से काम करो। जब आप आईबीसी बनते हो ना, तो आपको हम एक वेबसाइट बना के देते हैं। उस वेबसाइट की बेसिक वेबसाइट की कीमत भी 20,000 रुपए। आप कहीं से बना लो वेबसाइट, बेकार से बेकार 20,000 रुपए लगेंगे वेबसाइट बनाने में। उसके बाद में हम आपको एक ऑफिस देते हैं काम करने, जिसे मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, तो आप घर से भी बैठ के काम कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में आके भी काम। मेरा ऑफिस अभी पंजाब के अंदर है। अब आपको एक काम करना है, आपने जिस व्यक्ति ने इस मीटिंग में आपको बुलाया ना, आपको उनसे बात करनी है, बात करके हमारा ऑफिस देखना है। उनको बोलो कि अपने आईबीसी मैनेजर से बात कराए। क्या बोलना है आपको? कि सर मेरी एक बार ना आईबीसी मैनेजर से भी बात कराओ, और मुझे ना ऑफिस और दिखा दो, कैसा आपका ऑफिस है, कहाँ पे लोग काम करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सच में है कि नहीं, इतिश भाई कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो वीडियो कॉल पे भी आपको जरूर हमारा ऑफिस देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ अगर आपके मन में छोटे छोटे डाउट रह गए हो ना, वो डाउट उनको जरूर बताने। यार मेरे ना 3 सवाल रह गए अभी, इन 3 सवालों के जवाब ना मुझे मिले नहीं है, आप उनको लिखवा देना, और वो मेरी छोटी छोटी वीडियोज आपको भेजेंगे, और उसमें मैंने आपके सवालों के जवाब दिए, उससे क्लैरिटी मिलेगी। और वो करने के बाद आपको वीडियो कॉल पे हमारी टीम से बात करनी है, हमारे आईबीसी मैनेजर से बात करनी है, क्योंकि आईबीसी मैनेजर ही वो है जो आपका जीवन बदलेगा। जैसे आपको पता भी चल जाएगा भैया सच में आईबीसी मैनेजर होते कि नहीं होते हैं, सच में आईबीसी मैनेजर सपोर्ट करते भी नहीं करते, कहीं ऐसा नहीं बाद में फोन ही ना उठाएं, देख तो लें कैसा ऑफिस है इनका। तो ये आपको जरूर करना है, ठीक है? ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये मेरा फेवरेट है। आईबीसी सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, याद करो आईबीसी आपको काबिल बनाने की मशीन है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, वही वापस लेके आ रहा हूँ आपको। आईबीसी ज्वाइन करके आप पैसा तो कमाएंगे, बहुत सारा कोर्सेज वगैरह बेच के वो सब हम करवाएंगे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या आपको सिखा देंगे? आपको बढ़िया यूट्यूबर बना देंगे। यूट्यूब से आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, खुद मेरे 3-3 यूट्यूब चैनल है, आपको भी सिखा देंगे। कौन सिखाएंगे? वेग बिंद्रा जी, उनकी टीम आपको सिखा देगी। क्या पैसे लगेंगे अलग से? नहीं, अगर आप अभी आईबीसी बनते हैं ये सब फ्री में सिखाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। विवेक बिंद्रा जी जैसे पब्लिक स्पीकर आपको बना देंगे, जैसे आज मैं इतना अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, खड़ा होकर बोल रहा हूँ, घंटों से बोल रहा हूँ नॉनस्टॉप, आपको भी सिखा देंगे। आपको रात रात नहीं आएगा, 3-4 साल लगेंगे, लेकिन 3-4 साल के बाद भी तो आप पृथ्वी पर रहेंगे, 3-4 साल बाद भी तो आपको पैसे चाहिएंगे। तो आज कुछ सीखेंगे तब तो 3 साल बाद पैसा कमा पाएंगे मेरे भाई। तो इस सारे तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से पैसा कमा सकते हैं, आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जब आईबीसी से पैसा कमाओगे तो कहीं इन्वेस्ट भी तो करोगे ना, तो शेयर मार्केट में आज मैंने बहुत पैसा लगा रखा है। लेकिन कब कहां से सीखा? आईबीसी बनने के बाद आपको कोर्स मिलेंगे, वहां सब शेयर मार्केट पूरा सीखेंगे। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के वहां से पैसा कमाएंगे। इसके बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट हम पूरा सिखा देते हैं, आपको लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड। आज मैं भैया 800 लोगों की टीम को संभाल रहा हूं, 800, 800, सोच कर देखो 800 लोगों की टीम कैसे मैनेज करता हूं, कैसे मैंने आईबीसी मैनेजर सर्विस मैनेजर बना रखी है, उन पूरा हायरार्की बना रखी है, किसकी रिपोर्टिंग कब लेनी है, क्या काम है, लोकेशन करना, प्रोसेस है, चेकलिस्ट है, फ्रेमवर्क्स है। 800 लोगों की टीम संभाल रहा हूँ आज। आज आप सब 8 लोगों को भी नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन आईबीसी बनने के बाद हम आपको इतना काबिल बना देते हैं। इसके अलावा हम ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज कर देते हैं। सर बहुत सारे फायदे हैं आईबीसी बन के, सिर्फ आप कोर्स बेच के पैसा नहीं कमाते हो, ये सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, वो भी हम आपको सिखा देते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल सकते हो, क्योंकि हम आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा देते हैं। हम आपको बिजनेस कंसल्टेंसी भी सिखा देते हैं, जो कि मेरे को आती है। आज मैं एक क्लाइंट से बिजनेस के बारे में कोई मुझसे एडवाइस ले, मैं 1 महीने का 25,000 रुपए चार्ज करता हूँ 4 मीटिंग का। जैसे डॉक्टर 100-100 रुपए की पर्ची काटते हैं, 100 रुपए में आओ और मुझसे बात करो, डॉक्टर लेता है 100-200-300 रुपए, मैं 25,000 रुपए लेता हूँ बिजनेसमैन से बात करने के लिए। इसको बोलते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी। ये एक दिन में नहीं आएगा, 3-4 साल लगेंगे आपको भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आज आईबीसी बन गए तो 3-4 साल में इतने काबिल बन जाओगे कि एक तरीके से नहीं, आप 10-15-20-25 तरीके से पैसा कमाएंगे। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बिजनेस कर सकते हैं, मेरी सिस्टर का बिजनेस है, मैंने बिजनेस स्टैब्लिश कराया मीशो फ्लिपकार्ट का, जिसका बिजनेस चल रहा है। कहाँ से सीखा? जो आईबीसी बन के आपको कोर्सेज मिलते हैं वहीं से सीखा है आपको सब कुछ। इसके सर बहुत फायदे हैं आईबीसी बनने के, ये सारी चीजें आप नहीं देखो, आप खुद ने आपने आईबीसी ज्वाइन किया, घर में भाई बहन है, सिस्टर है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है, वो सारे भी तो देखेंगे सारे कोर्सेज। ऐसे थोड़ी ना वो नहीं देख सकते, वो भी तो देख सकते हैं सारे कोर्सेज। यानी कि एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की घर में, और फायदा सबको मिल रहा है, फायदा सबको मिल रहा है। अगर आप अभी छोटी उम्र है आपकी, आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो भैया इसको ज्वाइन कर लेना आईबीसी को, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, काबिल बना देगा। आपके जो साथ के बच्चे हैं उनसे आप 10 साल आगे निकल जाएंगे।
मेरे साथ के जो फ्रेंड थे कॉलेज में, आज उनसे मैं 10-15 साल आगे निकल चुका हूँ। जितना पैसा वो पूरी जिंदगी भर में कमाएंगे ना, सेविंग करेंगे, वो मैं करके पटक चुका हूँ एडवांस में। ये फायदा है सर टाइम से किसी चीज को ज्वाइन करने का। आपको अब देखो ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हो, इतने टाइम से मैंने चला रखी है, 1 घंटे से ये मैंने खुद बनाई है। अगर आपको ये भी बनानी आ जाए ना, तो आप महीने का 10-15-20-25 हजार रुपए तो घर पे बैठ के फ्रीलैंसिंग करके कमा सकते हैं, है ना। आपकी एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, आप पब्लिक स्पीकर, ये सब चीजें आप सीख जाएंगे सर आईबीसी बन के। तो कदम आज आपको एक उठाना है। हमारी टीम ने जिसने मीटिंग में आपको बोला, जिसने वीडियो आपको भेजी है, उसको फोन करके पूछो कि भैया आज क्या प्राइस चल रहा है आईबीसी का, आज कौन सा ऑफर चल रहा है, ये बताओ मेरे को, मेरे को आईबीसी ज्वाइन करना है। और सबसे पहला कदम क्या है, आपको सीट बुक करानी पड़ेगी। पूछेंगे सर आईबीसी ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहला स्टेप, आपको 5,000 रुपए देके सीट बुक करानी है। आप बोलो सर मुझे 2 महीने बाद आईबीसी बनना है। भैया चलो तुमको 2 महीने बाद बनना हो, चाहे तुमको अगले महीने बनना हो, चाहे 4 दिन के बाद बनना हो, चाहे अगले साल बनना हो, अगले साल तक पता नहीं होगा भी नहीं होगा, लेकिन जब भी आपको बनना है, पहला कदम यह है कि आज आपको सीट बुक करानी पड़ेगी। आप बोलोगे सर मेरे को 2 महीने के बाद बनना आईबीसी, तो 2 महीने के बाद आपकी तरह बहुत सारे लोग आईबीसी बनना चाहते हैं, पहले से सीट चल रही है, लिमिटेड सीट है, हर महीने लिमिटेड लोगों को आईबीसी बनाया जाता है। अगर आपने पहले 5,000 रुपए देके सीट बुक करा दी अपनी, तो ही आप आईबीसी बन पाएंगे, वरना आप आईबीसी नहीं बनेंगे। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, नहीं देश में हम तो ना इकट्ठी पेमेंट ही कर देंगे। सर इकट्ठी पेमेंट ना 1 करोड़ लेके खड़े रहना हाथ में, आप कर ही नहीं सकते आईबीसी ज्वाइन। आपको पहले सीट बुक करानी पड़ेगी, ये प्रोसेस है कंपनी का, आपको पहले 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे, वरना आप नहीं बन सकते आईबीसी। हितेश भाई मैंने 5,000 रुपए दे दिए और बाद में अगर मुझे लगा कि मैं बाकी पेमेंट नहीं कर पाया, अरेंज नहीं हो पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। हम आपकी वो फास्ट ट्रैक एमबीए जो बता रहा था मैं, फास्ट ट्रैक एमबीए, तो वो कोर्स दिला दूंगा आपको। समझ लो आपकी फास्ट ट्रैक एमबीए हो जाएगी। आपको जॉब करनी, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, करियर में ग्रोथ करनी है, वो सारी कोर्सेज दिला दूंगा मैं आपको, तो पैसा एक भी आपका खराब नहीं जाएगा। दूसरा फायदा, अगर आप अभी सीट बुक करा लेते हैं 5,000 रुपए देके, आपकी मैं बेसिक लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, काम सीखना स्टार्ट कर देंगे। इनकम नहीं होगी अभी, पैसा कमाना चालू नहीं करेंगे, पैसा कमाना कंप्लीट पेमेंट के बाद ही होगा, लेकिन आप काम सीखना स्टार्ट कर देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। इसीलिए आज आज अभी की अभी हमारी टीम को फोन करो और 5,000 रुपए देके सीट बुक कराओ, इससे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। याद रखना, इससे कम में ना घर में एसी लग सकता है, ना गोलगप्पे का ठेला चालू हो सकता है। एक पहली क्लास की, फर्स्ट क्लास की बच्चे की साल की फीस भी इससे महंगी है। याद रखना मेरी बात, भूल मत जाना, इससे कम में कुछ नहीं हो सकता अगर आप ये बिजनेस भी स्टार्ट। और एक बात और बोल देता हूँ, विवेक सर ने बोला है कि जो इंसान आईबीसी बन के कामयाब नहीं हो सकता ना, वो इस पृथ्वी पे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता इस पृथ्वी पे, वो जो अभी आईबीसी बन के काम है। इतना सपोर्ट, इतना कुछ आपको दे रहे हैं। सवाल आपके छोटे मोटे रह जाते होंगे, मैं बता देता हूँ। आपको लगता है मैं गाँव में रहता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल हिंदी आनी चाहिए बस आपको। हमारे सारे कोर्स हिंदी में, हम बात हिंदी में करते हैं, हमारी सारी ट्रेनिंग हिंदी में होती है। अगर आपको हिंदी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर फ्यूचर क्या है बड़ा बिजनेस का? सर पढ़ाई लिखाई पूरी जिंदगी भर चलती रहेगी, लाइफ टाइम। तो बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है? पढ़ाई लिखाई तो करा रहा है, हम क्या करते हैं एजुकेशनल बिजनेस में, तो पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी जब तक पृथ्वी रहेगी। तो फ्यूचर क्या है? बड़ा बिजनेस भी चलता रहेगा। और हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि हर महीने, हर साल 300% की ग्रोथ हो रही है पूरे स्टार्टअप में, पूरे हिंदुस्तान में किसी की इतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं हो रही है। फ्यूचर ब्राइट है, विवेक बिंद्रा जी का देख ही रहे हो आजकल आप, हर न्यूज चैनल के ऊपर, कपिल शो शर्मा के ऊपर, हर जगह चल रहे हैं, टीवी शो आ रहे हैं, हॉर्सेस टेबल फंडिंग शो, पता नहीं क्या क्या आ रहा है उनका। तो फ्यूचर सर बहुत लंबी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है कि कोई MLM जैसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है सर मैंने पहले भी किसी कंपनी में पैसे लगाए थे लेकिन डूब गए मेरे पैसे। सर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए थे, यहाँ पैसे लगा नहीं रहे हो आप, एक फर्क समझिएगा। आईबीसी कोई MLM नहीं है, इसको जोड़ना तोड़ना चेन नहीं बनानी है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपके नीचे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, यही होता है। यहाँ पे ही करना ही नहीं है तो खत्म, बात नहीं है फिर MLM, अगर ये करना ही नहीं है तो। यहाँ वहां आपकी इनकम बढ़ जाती है 1-1.5%, यहाँ कुछ नहीं बढ़ता, सब कुछ आप ही का है, खत्म बात। आईबीसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आपका खुद की दुकान, खुद का बिजनेस, खुद की सेल, सब कुछ खुद का होगा आपका। एक सोलोप्रेन्योर से आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। आज मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बाद में आपका खुद का ऑफिस होता है, खुद की टीम होती है, बहुत बढ़िया आपका बिजनेस चलता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा कस्टमर कहाँ से आएंगे, मैंने बताई दिया आपको, वो हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से क्लाइंट आता है। मैं बोल दूं नहीं अपने आप घर बैठे रहो अपने आप आदमी, ऐसा कुछ नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर आता है। इसमें एक पॉइंट जरूर ऐड कर देता हूँ, विवेक बिंद्रा जी ने अपने यूट्यूब से नंबर हटा दिया है। पहले क्या होता था कि किसी को कोई कोर्स खरीदना है, विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर कॉल कर लेता था, वहीं से डायरेक्ट परचेज कर लेता था, लेकिन विवेक सर ने बोला नहीं। आजकल आप देखो विवेक सर के यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो जो मिलेगी, किसी के नीचे कोई मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, वहाँ कोई मोबाइल नंबर नहीं है,
तो अब वो 2 करोड़ जो सब्सक्राइबर है विवेक बिंद्रा जी के, 2 करोड़ सब्सक्राइबर जो है, उनको अगर किसी को कुछ भी कोर्स खरीदना है तो वो फोन करते एक आईबीसी को, वो ढूंढते एक आईबीसी को और आईबीसी को फोन करके वहां से कोर्स खरीदते हैं। तो सोच कर देखो, अगर विवेक बिंद्रा जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि अपने यूट्यूब चैनल के नीचे से नंबर ही हटा दिया, तो सोचो वो कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि वो चाहते कि मेरे आईबीसी पैसा कमाए, है ना। तो ये फ्यूचर है सर बड़ा बिजनेस का। और एक बार फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस व्यक्ति ने इस मीटिंग में आपको बुलाया है, जिसने वीडियो का लिंक आपको शेयर किया है, उसको धन्यवाद कीजिएगा। किस चीज के लिए? कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है, और उससे कनेक्शन बना के रखना, पैसा हो ना हो अलग बात है, वो तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, चाहे आप कहीं से भी लेके आए। आज पैसा देखो कल भी नहीं था, पैसा आज भी नहीं है, पैसा परसों भी नहीं होगा। एक बात समझिएगा सर, ये 30-40-50 हजार बचा के आप करोड़पति तो बन नहीं जाएंगे, ये पैसा कहीं ना कहीं आपका लग ही जाना है, कि डॉक्टर के पास जाओगे वहां लगा दोगे, वहीं खर्च हो जाएगा एक बार में सारा पैसा, तो ये पैसा बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा आपका। तो 30-40-50 हजार बचा के आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे, लेकिन ये 30-40-50 हजार अपने नॉलेज पे खर्च करके पूरी जिंदगी भर पैसा कमाने के काबिल जरूर बन जाएंगे। डिसीजन आपको लेना है कि पूरी जिंदगी भर अनपढ़ रहना है, कम पढ़ा लिखा रहना है, कि आपके बच्चे बोले यार पापा तो पुराने जमाने के, या आपको पढ़ लिख के काबिल बनना और पूरी जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागना है। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। और आपके मन में एक सवाल और आया, हितेश भाई, ये जिस लोग जो भी जिसने वीडियो भेजी है आपके टीम मेंबर ने, अगर मैं इनसे आईबीसी ज्वाइन करता हूँ तो आपका सपोर्ट मिलेगा क्या? अगर आपने मेरे आईबीसी से ज्वाइन किया है, यानी कि मैं चैनल पार्टनर हूँ, तो आपको कैसे चेक करना है कि ये मेरी टीम से है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कोई मेरा नाम का मिसयूज कर रहा है, तो कैसे आप चेक करेंगे? आप उसको बोलिए कि सर आपकी जो वन ऐप है उसकी आपकी प्रोफाइल में दिखाओ आपका चैनल पार्टनर कौन है, तो वहां पे कामयाब इंडिया लिखा होगा। अगर वहां पे कामयाब इंडिया लिखा है, हितेश यादव लिखा है, तो समझ लो मेरा ही नाम है, कामयाब इंडिया मेरी कंपनी का नाम है, तो यानी कि वो मेरी टीम से। अगर वहां कामयाब इंडिया नहीं लिखा, कुछ और लिखा है, तो समझ जाना कोई मेरे नाम का मिसयूज कर रहा है। इससे आपको बच के रहना है। कहाँ चेक करेंगे? वन ऐप, बड़ा बिजनेस वन ऐप में प्रोफाइल में नाम आ जाता है कि चैनल पार्टनर को, ये आपको जरूर चेक करना है। फटाफट से हमारी टीम से बात कीजिएगा, बात करके पेमेंट कराइएगा, आज अभी के अभी सीट बुक करा लीजिएगा, पहले 5,000 रुपए देके सीट बुक जरूर करा लेना, और फोन करके अभी ये जरूर पूछ लेना कि हितेश भाई ने बताया पूछता है कि अभी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं, लेटेस्ट ऑफर क्या चल रहा है, ये आपको जरूर पूछ लेना है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय हमारे साथ लगाने के लिए, इतना समय देने के लिए। और जो मैंने चेकलिस्ट आपको बताई थी कि ये 4-5 पॉइंट आपको जरूर चेक करने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस सब पे आज टिक लगवा दिया है। तो शुरुआत कीजिएगा, हमें यूट्यूब पे फॉलो करते रहिएगा, हमारी टीम के साथ टच में रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम व्हाट्सएप से भेजते रहेंगे, अपडेट्स भेजते रहेंगे, ताकि पता रहे कि विवेक बिंद्रा जी कहाँ जा रहे हैं, हम सब कहाँ जा रहे हैं, और हम सब आपको भी हाथ पकड़ के आगे निकल जाना चाहते हैं। आप सभी लोगों के ऊपर फिर से दिल की गहराई से मेरा 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 हाथ जोड़ के बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।